हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट यूपी रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में, जिसकी जो थी लास्ट डेट, दोस्तों पहले जो लास्ट डेट थी वो अब बढ़ा दी गई है और उसके बहुत ही कम दिन अब बचे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी ये थी 10वीं पास के लिए, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। इसमें अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कितने पदों पर वैकेंसी थी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3,951 पदों पर वैकेंसी थी, यानी कि करीब 4,000 पदों पर वैकेंसी थी। 3,951 पदों पर ये वैकेंसी थी और हैं, अभी भी इसकी लास्ट डेट नहीं निकली है। पहले जो इसकी लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। किसकी वजह से वो कर दिया गया है दोस्तों? लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से उसको एक्सटेंडेड कर दिया है। तो अभी जो लास्ट डेट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको इसकी योग्यता भी बता दूँगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, नई दिल्ली ऑनलाइन इंडिया पोस्ट यूपी रिक्वायरमेंट 2020 भारतीय डाक विभाग के उत्तर प्रदेश सर्किल में 3,951 ग्रामीण डाक सेवाओं की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 3,951 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के आवेदन किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार अब ऑनलाइन माध्यम से 7 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आज जो है, आज 5 तारीख है और आप इसके लिए आवेदन जो है वो 7 तारीख तक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे पूर्व यूपी जीडीएस भर्ती 2020 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाने की घोषणा डाक विभाग ने की थी, जिसके अनुसार उम्मीदवार 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई थी। यानी कि दोस्तों, पहले जो इसकी डेट थी वो 24 अप्रैल थी, ठीक है, वहाँ से इसको बढ़ा करके और 7 मई कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय डाक विभाग द्वारा 23 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन कोड यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो मार्च में आ गया था। कब आया था? 23 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ गया था दोस्तों। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक के कुल 3,951 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से आरंभ हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें जो पोस्ट हैं वो हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के टोटल कितने पद हैं? 3,951 पद हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो काफ़ी अच्छी भी वैकेंसी है, आपको इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। इसकी जो योग्यता है वो है ओनली 10वीं पास। अगला देखते हैं दोस्तों योग्यता पर। देखिए दोस्तों, डाक विभाग उत्तर प्रदेश जीडीएस भर्ती 2020 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का 10वीं के स्तर तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो है आपकी 10वीं पास। ठीक है, तो आप सभी के पास 10वीं पास तो है ही, आप इसके लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। सिर्फ आपके पास 2 दिन का समय शेष है दोस्तों। ठीक है, साथ ही उम्मीदवारों की आयु विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि 23 मार्च 2020 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 18 वर्ष से 40 वर्ष, 23 मार्च तक आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, डाक विभाग उत्तर प्रदेश जीडीएस भर्ती 2020 के लिए आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट apost.in, ध्यान रखिएगा दोस्तों, apost.in पर आपको जाना है। होम पेज पर दिए गए डाउनलोड नोटिफिकेशंस में उत्तर प्रदेश के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही होम पेज के ऊपरी हिस्से में दिए गए स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन के लिंक को क्लिक करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपने विवरणों को भरना होगा और अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा। याद रखिएगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है।
सभी आवश्यक जानकारियां भरने के बाद आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे नोट कर लीजिएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा आपको, वो ध्यान रखना है दोस्तों, उसी से आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड उसी से डाउनलोड होता है और आगे भी वो नंबर एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ भी काम आता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको होम पर जाना है, फिर से जाना है और स्टेज टू फीस पेमेंट के अंदर पे ऑनलाइन क्लिक करना है। नए पेज पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरणों को भरकर आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। अगला है, शुल्क के भुगतान के बाद होम पर स्टेज थ्री लिंक के भीतर अप्लाई करना है। नए पेज पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके एप्लीकेशन विंडो पर जा सकते हैं। यह मांगी गई जानकारी को भरने के बाद आप अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस पर आवेदन कर देना है। थ्री स्टेज में इसका आवेदन होगा, मैंने आपको इसमें बता दिया है। इस प्रकार से आपको साइट पर जाना है दोस्तों। 3951 पदों की जो वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। आप यदि 10वीं पास हैं तो प्लीज़ इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, यही मैं आपको बताने आया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।